केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद बैंकों के साथ फ्रॉड कम नहीं हुआ है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन को बताया है कि सिर्फ 6 महीने में बैंकों के साथ 95,700 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी हुई है। इसका खुलासा खुद वित्त मंत्री ने किया है कि किस तरह से बैंकों के साथ बीते 6 महीनों में 95,700 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी हो गई। भाजपा अपने शासनकाल में बैंकों को डूबने की वजह कांग्रेस की नीतियों को बताती आई है। भाजपा का मानना है कि जो बैंकों की स्थिति आज के समय में बनी हुई है उसकी जिम्मेदार पिछली सरकार थी। वहीं अब देखा जाए तो भारत में भाजपा की सरकार को 5 साल से अधिक हो चुका है और इस समय में बैंकों की हालत और खराब होती जा रही है। वित्त मंत्री ने RBI की रिपोर्ट का हवाला देते हुए राज्यसभा में कहा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से 30 सितंबर 2019 की अवधि में 95,760.49 करोड़ रुपए की अधिक की धोखाधड़ी के 5,743 मामले हुए। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने अभी कहा कि 3 लाख से अधिक निष्क्रिय कंपनियों के बैंकों खातों पर रोक लगा दी गई है। वित्त मंत्री के मुताबिक बैंकों में धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक उपाय किए गए हैं। इसी के तहत 3.38 लाख निष्क्रिय कंपनियों के बैंक खातों पर रोक लगाई गई है। निर्मला सीतारमण का यह बयान ऐसे समय में आया है जब निजी बैंकों पर NPA का बोझ बढ़ गया है। दूसरी तिमाही में इंडसइंड बैंक को मुनाफे के बावजूद नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ा है। इंडसइंड बैंकों के आंकड़ों के बताते हैं कि 30 सितंबर 2019 तक बैंक का NPA कुल कर्ज का 2.19% है। एक साल पहले इसकी अवधि में NPA 1.09% था। इसका मतलब यह हुआ कि बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट में 1.11% का इजाफा हुआ है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी NPA वह होता है जब कोई देनदार यानी बैंक का कर्जदार अपने बैंक की EMI देने में नाकामयाब रहता है, तब उसका लोन अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी NPA कहलाता है। यानी बैंकों का वो कर्ज जो डूब गया है और जिसके फिर से वापस आने की उम्मीद नहीं आने के बराबर है उसे NPA कहते हैं और यही NPA अब बैंकों पर बढ़ता जा रहा है। वहीं कोटक बैंक के भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी NPA में बढ़ोतरी हुई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक NPA 2.17% पर है जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 1.91% था। इसी तरह कर्नाटक बैंक का NPA उसके कुल कर्ज का 4.78% रहा जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इस अवधि में 4.66% था। हालांकि एक्सिस बैंक को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में घाटे से जूझना पड़ा है, लेकिन बैंक की कर्ज में फंसी राशि यानी NPA सितंबर 2019 में घटकर 5.03% रह गया। इसी तरह ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और HDFC बैंक के लिए NPA में कमी आई है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।